सो क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। सो ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है क्या दिखाना है, उसके लिए क्या करते हैं, लेट सी नॉट इक्वल टू जीरो बी एन आर्बिट्री रियल नंबर, इसको पकड़ा गया क्योंकि फंक्शन जीरो में इस प्रकार से डिफाइन है और जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है तो इस प्रकार से डिफाइन है। सो जब सी जीरो नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर सी जीरो नहीं है, तो फंक्शन जो इस प्रकार से डिफाइन होगा, तो इस सी पॉइंट में फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी फंक्शन जो एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स है, सो सी पुट किया जा सकता है क्योंकि सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यह प्रॉब्लम है जीरो होने से, जीरो नहीं होने से डायरेक्ट पुट किया जा सकता है सी स्क्वायर साइन वन बाय सी जो कि एफ ऑफ सी के बराबर, व्हेन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एफ ऑफ सी सी स्क्वायर साइन वन बाय सी होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है फंक्शन जो कंटिन्यूअस है। अभी जीरो पॉइंट में देखते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो में लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्योंकि जीरो पॉइंट में ये है जीरो नहीं है तो फंक्शन ये है, पॉजिटिव के केस में भी पॉजिटिव की ओर से आने से भी यही फंक्शन है, निगेटिव की ओर से आने से भी यही फंक्शन है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स जो कि इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि साइन वन बाय एक्स, साइन वन बाय एक्स इज बाउंडेड, साइन वन बाय एक्स ये होगा, कोई भी x के लिए साइन वन बाय एक्स माइनस वन और वन के बीच में होगा, एंड एक्स स्क्वायर जब x टर्निंग टू जीरो तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग इक्वल टू जीरो जो कि जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। सो लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू जीरो में भी इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो इसका डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।